हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। इसको NPCI बोलते हैं। तो कैसे आप लिंक कर सकते हैं इसको दिखाते हैं आपको। तो पहले आपको गूगल सर्च बॉक्स में आना है, यहाँ पे सर्च करना है NPCI। NPCI जैसे आप सर्च करते हैं तब सबसे पहला में जो आपका पेज खुलता है NPCI का, तो यहाँ पे आप आने के बाद देख सकते हैं आपका ये पेज जो खुल रहा है NPCI। सर्च क्या करना है आपको, NPCI, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो हमारा ये बॉक्स ओपन होगा। ये बॉक्स हमारा ओपन हो गया। अब हमें यहाँ आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद कौन सा ऑप्शन को हमें चूज करना है। यहाँ पे आने के बाद हमें कस्टमर का जो ऑप्शन है, देखिए प्रोडक्ट के बाद कस्टमर है, कस्टमर पे हम क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ पे है ये, तो आपका यहाँ पे वाला ये वाला कंज्यूमर जो ऑप्शन है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस टाइप का एक बॉक्स खुलता है, इसमें से हमारे पास इतना सारा ऑप्शन आता है। इसमें से आपको किस पे चुनना है, आधार भारत आधार सेटिंग इनेबल बेस, ठीक है, इसको चुनना है। इस वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। तो चलिए इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक ओपन होता है पेज। इसमें आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड है, बाय द वे जैसे हम कुछ भी डाल दे रहे हैं, इस तरह से आपको डालना है। यहाँ से बैंक सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है कि अभी हम इसमें जो है गलत पिन जो डाले हैं उसे चलते ये क्या हो रहा है नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे क्या है, आधार डालिएगा, इसका फिर जो बैंक है वो आप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बता दें कि आपको सारा बैंक का नाम नहीं दिया है, कुछ बैंक का नाम यहाँ पे है, तो जो बैंक का नाम यहाँ पे आपको शो करेगा आप उसी पे सिर्फ आधार सेविंग वाला काम कर सकते हैं। उसमें आप घर बैठे अपना नंबर चेंज कर सकते हैं या नया नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है आपको, कहाँ पे बता देते हैं भैया, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या बैंक जो डालना है या आधार नंबर डालना है, यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर, इसको फिर आपका इसे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद भी यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कैप्चा, एक कैप्चा को यहाँ पे भर लेना है। उसका फिर आपको इस वाला पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करते जाएगा तो आपका जो है आधार सेटिंग के लिए चला जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें कि ये सारे बैंक का नहीं दिया है, जो बैंक यहाँ पे आप यहाँ बैंक देख रहे हैं इस सर्कल के अंदर में, जैसे आप बैंक सेलेक्ट करते हैं तो जो बैंक का नाम आज दिखेगा आपको इसके लिस्ट में, उसी बैंक का यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डलाएगा और आपका आधार सेटिंग होगा। अगर आपका जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा बैंक तो आपका आधार सेटिंग नहीं होगा, तो आपका अकाउंट नंबर आपका नहीं डलाएगा।
दूसरा बात है, अगर आपको अगर लिंक किया हुआ है आधार से लिंक, तो उसे डीलिंक करना है, तो सेम प्रोसेस है, सारा कुछ आपको इसी तरह से करना है। केवल उस समय आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे टिक करिएगा और फिर जो भी है इंफॉर्मेशन दीजिएगा, तो आधार सेटिंग आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत